तो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन देखिए 8 अप्रैल 2019 को होने वाले जेई मेन्स के पेपर की केमिस्ट्री के एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए मैं पूरी उसके आंसर की विद डिटेल सॉल्यूशन दे दूँगा। इस पूरे पेपर को मैं पीडीएफ के अंदर भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें केमिस्ट्री का पूछा हुआ है, तो देखिए केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन क्या आया था, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्लोरीन ऑर्गन कैल्शियम इज इफेक्टेड। तो ध्यान रखना ये न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है किसी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन तो पूरी स्पीशीज में सेम हो लेकिन जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा जिस स्पीशीज वो उतना ही बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ क्लोरीन सबसे बड़ा होगा, तो उसके बाद में ऑर्गन, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी छोटी होती है। तो अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि न्यूक्लियर चार्ज, तो इसने अच्छा रीज़न पूछा हुआ है तो रीज़न आप बता देना। तो उसके बाद में द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पूछा है कंसनट्रेट HBr है। तो अब देखिए यहाँ पे आप सोचोगे कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ नहीं लगेगा, मार्कोनिक ऑफ लगेगा। तो मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग क्या है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके अटैच करता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो लेस होते हैं। तो यहाँ जो Br है ये कहाँ जाके अटैक कर जाएगा आपका, इस वाले कार्बन पे, जो इस वाले पे करेगा। तो देखिए ऐसा प्रोडक्ट सिर्फ एक बी के अंदर है और बस बी और सी के अंदर है। दूसरी चीज़ ने बोली है कि HBr आपका एक्सेस में हो रहा है, तो एक्सेस में है तो ध्यान रखना यहाँ से OCS3 पूरा हट जाएगा और यहाँ के Br आके जुड़ जाएगा और CH3OH निकल जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। देखिए मैंने इसकी आंसर की भी इसी में डाल रखी है, विद सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए नीचे चलते हैं। तो नीचे क्या अपने पास में, ये देखिए इसका आंसर भी दे रखा है यहाँ पे, सी आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में नीचे चलते हैं। तो नीचे क्या दे रखा है आपको, नीचे दे रखा है आपका 33 क्वेश्चन। तो 33 क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आपसे ऐसे पूछा है कि कोई कोई एक लेटेस है उसके अंदर बी एटम है, ए एटम है और ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ए एटम आपका कहाँ रखा हुआ है, बी एटम CCP स्ट्रक्चर बनाता है, ए ऑक्टेडल बनाता है और ऑक्सीजन जो है वो आपका टेट्राहेड्रल वर्ल्ड के अंदर है। तो आपको पता है कि CCP में एटम कितने होते हैं, 4। ठीक है, CCP के अंदर ये ध्यान रखना है आपको। अब CCP में तो ऑक्सीजन आपका जो है वो मतलब आपको ये सोचना है कि जो आपका ए है वो ऑक्टेडल वर्ल्ड के अंदर है, तो ए ऑक्टेडल वर्ल्ड के अंदर है तो उसका तो रेशो हो जाएगा 4, क्योंकि जितने ऑक्टेडल वर्ल्ड होते हैं जितना नंबर ऑफ एटम होता है वही उसका ऑक्टेडल वर्ल्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने बोला है बी जो है वो आपके CCP में है, तो बी आपके CCP में है तो इसका मतलब ये भी 4 एटम रखता होगा। लेकिन इसने ऐसे बोला कि ए ऑक्यूपाई हाफ, मतलब जो ए है वो 1/2 ही रखता है, मतलब जितने भी ऑक्टेडल वर्ड बने ना उसका 0.5% रखता है, और जो आपके ऑक्सीजन है वो आपके टेट्राहेड्रल वर्ड, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने बनेंगे ऑक्सीजन में, 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्टेडल वर्ड का जस्ट डबल होता है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला आप सॉल्व कर लेना, तो फॉर्मूला जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके Ab2O4। ठीक है, तो उसके बाद में नीचे चलते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान रखना जिसका पॉजिटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वो उतना ही अच्छा का होता है। तो यहाँ सबसे अच्छा ध्यान रखना ए ऑप्शन सही आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो कितना है, +2.5 है, मतलब आप उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हो उतना ही ज़्यादा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वाला होता है, मतलब फ्लोरीन की तरफ आप जब जाओगे। तो उसके बाद में देखिए नीचे चलते हैं। नीचे वाले में पूछा हुआ है आप एक ह्यूमन होने के नाते इन दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा काम नहीं करोगे जिससे क्या हो कि पॉल्यूशन हो। तो आप ध्यान रखना यहाँ डी, यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, आप प्लास्टिक बैग यूज, वैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे आप आजकल काम चल रहा है तो यूज़ प्लास्टिक बैग अपन नहीं यूज़ लेंगे, क्यों, क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है। फिर उसके बाद में नीचे चलते हैं। अब माल्टोज ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl को आप जब यूज़ ले रहे हो तो क्या हो रहा है, तो डाइल्यूट HCl जब आप यहाँ यूज़ ले रहे हो तो आपको ये सोचना है कि जब HCl आप यूज़ लेते हो तो ये माल्टोज का डिसोसिएशन कर देते हो, तो माल्टोज अपने बनता है, ट्रिक बता रहा हूँ GG में, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल के क्या बनाता है, माल्टोज। तो ये 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको माल्टोज के, तो आंसर इसका माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, तो यहाँ ग्लूकोज की 2 यूनिट मिल जाएगी। फिर उसके बाद में चलते हैं, देखिए नीचे 37 क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रिबिल थैलामाइड रिएक्शन। तो ग्रिबिल थैलामाइड रिएक्शन से ध्यान रखना सिर्फ 1° amine ही बनता है, एक तो कार्बिल एमीन और कार्बिल एमीन 1° का टेस्ट है और ग्रिबिल थैलामाइड से 1° ही बनता है, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा डी सिर्फ, बाकी सब ये टर्शरी नियो ये सब 1° 2° 3° 2° 3° 4° बनाएंगे, जबकि ये जो है
एन ब्यूटाइल अमीन, ये सिर्फ 1 डिग्री है, क्योंकि कार्बन जो है वो एक नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, ब्यूटाइल इस तरीके का होगा, 4 कार्बन और 1 NH2, एन का मतलब नॉर्मल था यहाँ। तो उसके बाद नीचे चलते हैं, तो देखिए नीचे क्या है, नीचे आपसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या है आपको ए और बी दो कंपाउंड दिए, उन दोनों के प्रेशर दे रखे हैं, जब उन दोनों के प्रेशर दिए हैं तो आपसे पूछा क्या है, आपसे से पूछा है इसमें 298 केल्विन पे पूरा प्रेशर चल रहा है, बी के इनिशियल आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो अब आपसे पूछा गया है इसके अंदर द वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, तो फाइनल सॉल्यूशन मतलब पी टोटल पूछा है, तो पी टोटल निकालने का आप जाओ अपने राउल्ट्स लॉ में, तो राउल्ट लॉ क्या बोलता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, इन दोनों का जो सम है वो आपका पी टोटल, तो एक तो ये पी टोटल पूछा है, तो ये दोनों आप निकाल लोगे, इसकी वैल्यू 0.5 दे रखी है, इसकी वैल्यू 400 दे रखी है, इसकी वैल्यू 600 दे रखी है, और इसकी वैल्यू भी 0.5 दे रखी है, तो पी टोटल आप जब सॉल्व करोगे तो 500 आएगा, ठीक है, मतलब आपके बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कोई एक होता है। अब बात करो आप इसके मोल फ्रैक्शन भी पूछे हुए, मतलब जब ये गैस फेज में चेंज हो जाएंगे तो इनका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन जब आप निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन को निकालने का एक ही फॉर्मूला आपके पास में, एक्स ए इक्वल टू क्या होता था आपको पता है, पी ए नॉट एक्स ए, लेकिन ये आप सॉल्यूशन फेज के अंदर है ध्यान रखना, तो आपका यहाँ से एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू ये तो आपको दे रखा था जब ये अलग अलग थे, लेकिन जब ये वेपर प्रेशर में जाएंगे ना वेपर फेज में, तो इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना पड़ेगा, तो मोल वो वाला मोल फ्रैक्शन आप इसमें से देख लेना। वैसे मैंने आपको बता दिया पी टोटल जब आप रखोगे तो यहाँ पे वो वाला मोल फ्रैक्शन रखना जो आपके गैस फेज में, इसको एक्स मान लेना और इसको भी एक्स, इसको वाई मान लेना, एक्स प्लस वाई सॉल्व करना पूरा आपका एक्स मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, तो यहाँ पे 0.4 0.6, बाकी इसमें क्या कर रखा है फ्रैक्शनल वैल्यू से भी निकाल रखा है जो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे चलते हैं, पूछा गया है, पूछा गया 39 के अंदर फॉलोइंग लिगेंड, तो यहाँ पे जो लिगेंड है वो कितनी डेंटिसिटी है उसकी, तो देखिए इसकी डेंटिसिटी एक तो ये है, यहाँ एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है जो दे सकता है, यहाँ एक नाइट्रोजन पे और 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब 4 जने इसमें दे सकते हैं, तो ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है। फिर उसके बाद में नीचे चलिए, नीचे और चलते हैं, तो फिर उसके बाद में ये पूछा हुआ है कि एसिडिक ऑर्डर के अंदर ये आपका, अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल से रिलेटेड काम है, तो आप क्या करो प्रैक्टिकल अपने उसमें जाना, तो उसमें ये पता लगेगा कि यहाँ पूछा वैसे ये है कि KMnO4 जो है वो इनको क्या है, KMnO4 एक अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम ये भी जानते हैं। अब ये जानते हैं कि जब एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 होता है ना तो वो अपने +7 से +2 स्टेट में चला जाता है, ये भी हम जानते हैं। अब जब +2 में जा रहा है तो चेंज कितने का आ गया, +5 का, ठीक है, मतलब +7 से किस में चला गया, +2 में, तो +5 का चेंज आ गया। तो अब निकालना कैसे है कि आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ग्राम इनटू वैलेंस फैक्टर इक्वल टू इनके ग्राम इनटू मोल एक्स फैक्टर, जब आप इस पूरे को निकालोगे तो ये प्रैक्टिकल बुक में आपके रिएक्शन के साथ दे रखा है, तो ये एक इक्वेशन दिखेगी, इस इक्वेशन को क्या करोगे आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे चलते हैं, बाकी आप नीचे चलो, देखो नीचे चलोगे तो आपको एक चीज़ ये समझ में आती है, फिर नीचे फिडलक्राफ्ट रिएक्शन आ गई, फिर से AlCl3, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जब यहाँ पे ये ऑक्सीजन है तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ कहीं से भी इसको एक जगह से ब्रेक कर लो, जब आप यहाँ से ब्रेक करोगे तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो ये जो कार्बन का पॉजिटिव वाला चार्ज दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, तो आपका ऐसा पैरा वाला प्रोडक्ट 2 ही है, तो 2 है। फिर उसके बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CWH ग्रुप मिल जाएगा आपको एक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपके ऑक्सीजन फ्री हो रहा है यहाँ से, तो ऑक्सीजन का माइनस यहाँ पड़ा है और एक H2O आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, तो एक H निकल के यहाँ चल जाएगा, CWH, मतलब बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में नीचे चलिए, तो ये पूरा NCERT बेस्ड पेपर था। फिर उसके बाद में नीचे चलिए, तो यहाँ पूछी है हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज़ की, जितना साइज़ बड़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, तो एक ऑप्शन ऐसा यहाँ बी ही है सिर्फ, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। ये देखिए आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है इसके अंदर, हाइड्रेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज डेंसिटी में, तो चार्ज डेंसिटी के आपको मैं सीधा बता रहा हूँ, साइज़ के ध्यान रखना, जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना उसका हाइड्रेशन एनथैल्पी कम होगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, IUPAC नेम पूछिए, IUPAC नेमिंग आप कर लोगे, IUPAC नेमिंग बताता हूँ, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1, 2, 3 और 4। अब हाइड्रोक्सी और मिथाइल में से ये चेक करो कि H पहले आता है या M पहले आता है, तो H पहले आता है तो इसलिए नंबरिंग आपकी हो जाएगी 3-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid, ठीक है, तो ए ऑप्शन ही है ऐसा। फिर उसके बाद में नीचे चलो, लैंथेनॉइड एसिड में तो यहाँ पूछा है कौन कलर देगा, यहाँ पे कौन कलर शो करेगा, तो ध्यान रखना कौन कलर शो करेगा,
तो लैंथेनम या कलर शो नहीं करेगा। बाकी आपके ल्यूटीशियम, समेरियम और गेडोलियम, ये तीनों शो करेंगे। यहाँ ऑप्शन में करेक्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये तीनों शो करेंगे। फिर उसके बाद फिर भी नीचे चलते हैं, तो नीचे पूछा हुआ है आपके कि 45 क्वेश्चन के अंदर इस ग्राफ का आपको ये बताना है कि x अपॉन m वेरियस है log p के साथ में, तो क्या है, तो log x अपॉन m। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आप सीधा इसका स्लोप निकालो, तो tan थीटा जब आप यहाँ से निकालोगे तो tan थीटा होती है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो y एक्सिस पे देखिए इसके दो और x एक्सिस पे तीन लिखा हुआ है, तो 2/3, इसका मतलब ये कि ये इसके स्लोप है, क्योंकि जब आप इसका लॉग लोगे, क्योंकि हम फ्रेंडली ग्राफ में पढ़ते हैं लॉग एक्स अपॉन एम इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। अब पी की पावर क्या है, तो 2/3, यही इसका क्या है, स्लोप है, क्योंकि टेन थीटा ही क्या होता है अपना स्लोप, तो पी की पावर कितनी आएगी, 2/3, तो आंसर इसका आ जाएगा डी। तो उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे चलोगे तो इसने ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे आते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या, आपको रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ से आपको ऑर्डर बताना है, मतलब आपको इसका रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ लिखोगे तो देखो एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सीधा करना क्या है, बी को तो वो पकड़ लो जहाँ चेंज नहीं हो रहा, अब ए को पकड़ो जहाँ चेंज हो रहा है। तो ए को अब यहाँ पकड़ने पे पता लग रहा है कि एक तो ये और दूसरा ये 0.05 और एक 0.010 दे रखा है। अब आप ये सोचो ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे इनिशियल रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब ये कि ए पे कितनी थी पावर 1, लेकिन बी को जो है बी को डबल करने पे मतलब 0.05 से, अब बी का चेंज पकड़ो, जैसे ए का चेंज एक बार पकड़ लिया ऐसे बी का चेंज पकड़ लो, तो बी का चेंज पकड़ने पे ही पता लग रहा है ए को 0.5 से 0.10 करने पे रेट जो है मेरा 4 गुना बढ़ गया, इसका मतलब बी पे पावर कितनी होगी 2। सीधा सा रेट निकालने का तरीका है, तो A1B2 इसका क्या आ जाएगा, रेट लो आ जाएगा। अब यहाँ से कोई ऑर्डर ही पूछ लेता, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो दोनों का सम। उसके बाद नीचे चलें तो इसने पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आपका फॉर्मूला है Nn+2 बोर मैग्नेटोन में, आप निकल जाओगे यहाँ से। फिर उसके बाद देखिए तो ये आप सॉल्व करना खुद से, बताना मुझे सही आ भी रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद में ये 48, तो 48 में N+L रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि इसने पूछा क्या है आपसे, इसने ऐसे पूछा है कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वांटम नंबर को, तो आपको तो N और L पकड़ लेना है बस, NL पकड़ते ही आपका काम हो जाएगा, तो NL पकड़ोगे तो आपका ऑप्शन यहाँ सी सही आ जाएगा, ठीक है, मतलब N+L आप खुद जानते हो, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था N+L। तो उसके बाद में नीचे चलते हैं 49 पे, तो 49 में आप ये देखिए आपको इथाइल ग्रुप दे रखा है, ये भी मैंने कल बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर। तो देखिए CH3 होता है, तो ट्रिक याद रखना 213 एमीन में बेसिसिटी निकालने का, लेकिन C2H5 कहीं दे रखा है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछता है, और 231, तो मैं इसके ट्रिक ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो आप ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है बी, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे चलिए, डाइजोनियम सॉल्ट में 1 एथेनॉल के साथ रिएक्शन, तो ये RBSC की बुक में तो सीधा सीधा है, लेकिन NCERT में लिखा हुआ नहीं है, तो इसका ऑप्शन 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि डाइजोनियम है कपलिंग रिएक्शन है, तो N2Cl होता है डाइजोनियम में, है ना, इधर बेंजीन रिंग होती है, तो बेंजीन रिंग जो है ये Cl जो है ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है फिनॉल के, और फिनॉल के जो पैरा पोजिशन है उससे जाके जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन एक ऐसा ही ए ही है इसके अंदर, आप नीचे भी देख लीजिए एक बार, ठीक है, तो हाँ ठीक है, इसमें ए ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में नीचे चलते हैं, तो नीचे चलोगे तो देखो क्या है, इसने अब ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा है इसने, डू नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, मतलब फर्स्ट लॉ को कौन सही से रिप्रेजेंट नहीं करता, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ΔU=W ये होता है बिल्कुल, आइसोकोरिक में ये होता है, ठीक है, साइक्लिक में ये होता है, बट आइसोथर्मल में ये नहीं होता, ठीक है, तो ये आपका गलत है। फिर उसके बाद में मतलब Q=+ होगा, फिर उसके बाद में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, एक्स, इस एक्स को आइडेंटिफाई करना है, वो है क्या, उसको वाटर में डालते तो इनसोल्यूबल, HCl में डालते तो इनसोल्यूबल, लेकिन 10% NaOH में डालते हैं तो वो सोल्यूबल है, अब ऐसा क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि अब आप ये खुद सोचो 10% NaOH का मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, NaSCO3 से भी तगड़ा बेस है आपका NaOH, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा एसिडिक होगा, तो ऐसा एसिडिक सिर्फ इसमें एक ही है, वो मेटाक्रिसोल वाला, ठीक है, ये अच्छा खासा क्रिसोल है, तो ये क्रिसोल करेगा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, जिससे आपका
ईजिली सॉल्यूबल हो जाएगा NaOH के अंदर। तो एसिड बेस की एक रिएक्शन होगी, आपको इस तरीके से पहचानना था। फिर उसके बाद में नीचे चलिए, नीचे आपसे पूछा हुआ है आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है कंपाउंड आपका, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना, ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है FeCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि OH ग्रुप होगा, क्योंकि ये OH के लिए एक टेस्ट है। फिर उसके बाद में फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता वो, ठीक है, लेकिन ये बोला ग्रिगनार्ड रिएक्शन के साथ में रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब अल्फा मिथाइल ग्रुप भी होगा। बस आपको इतना चेक करना है। तो एक ऐसा ऑप्शन देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, तो सिर्फ एक ही है ऐसा ऑप्शन 53। तो ये आपका आंसर ठीक है। तो उसके बाद में नीचे चलिए, ये सॉल्यूशन दे रखा है, आप चाहो तो सॉल्यूशन देख सकते हो। फिर उसके बाद में NaBH4 के साथ, तो NaBH4 ध्यान रखना LDH कीटोन का रिडक्शन कर देता है, पहली चीज़ तो ये सोचनी है। तो इसका मतलब ये, यदि कीटोन है तो इसका 2 डिग्री अल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा। फिर MeOH है, तो MeOH का मतलब है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल है। तो मिथाइल अल्कोहल में क्या होगा, ये H और ये वाला जो है ये Br, तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन इसकी जगह जाके जुड़ जाएगा, तो आपका ऐसा प्रोडक्ट सिर्फ सी है। फिर उसके बाद में नीचे चलो, तो नीचे चलने पे क्या है, 95 में आपसे पूछा है कि एलिंगम ग्राफ क्या बताता है, तो ये ध्यान रखना थर्मल रिडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता है आपको, मतलब ए ऑप्शन सही आएगा। फिर डाइबोरेन को आप हीट करोगे, तो ये थोड़े रटने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपकी नॉलेज बेस पे ही है, तो आंसर इसका सी आएगा। फिर उसके बाद में 57, तो ये 57 आप खुद से सॉल्व करें, ठीक, नहीं हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। पूरा पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ मैंने केमिस्ट्री सॉल्व की। यदि आपको पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और लोगों के साथ शेयर करते रहो। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।